पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे हाइगेंस बीम थ्योरी। इस लेक्चर में हम लोग कुछ टेक्निकल पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद ऐसो फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे। क्लियर है? तो आइए सीखते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट। टेक्निकल पॉइंट्स, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। फेज डिफरेंस डिफरेंस बाय 2 पाई, पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा, और टाइम डिफरेंस बाय टी होता है। एक रिलेशन है ये, टाइम डिफरेंस बाय टी होता है। एंड इसको जनरली हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस बोलो तो 5 बोल सकते हो आप, 5 बोलोगे। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा लिखते हैं। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिख दोगे। चलो लिख रहे हो डेल्टा एक्स। एंड टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, एंड टाइम डिफरेंस डिफरेंस डेल्टा टी लिख दो, या डेल्टा एस मल्टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो यहां तक समझ गए हो आप। ये रिलेशन है जिसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो फर्स्ट है फेज डिफरेंस हमको निकालना है। सीखो ध्यान से और समझो बातों को। फर्स्ट है हम लोगों को फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस इस रिलेशन से सीखो बढ़िया से, इसी से फ्रिंज विड्थ निकलेगा हम लोगों को। फेज डिफरेंस यहां से निकालेंगे तो 2π/λ, देखो ध्यान से, तो ये 2π/2π ऊपर जाएगा, 2π/λ है तो पाथ डिफरेंस ये रहा तेरे सामने एक फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला की बात करेगा, पाथ डिफरेंस निकालना हो तो पाथ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फेज डिफरेंस φ = 2π/λ पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। क्लियर है? अब दूसरा रहा फेज डिफरेंस हो गया, पाथ डिफरेंस अब लिखोगे तो पाथ डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पाथ डिफरेंस यहां से देखो तो पाथ डिफरेंस हमको निकालना है, तो λ/2π × फेज डिफरेंस लिख लोगे, इसे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो पाथ डिफरेंस मान डेल्टा एक्स लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स λ/2π × φ लिख दोगे। ये फॉर्मूला आएगा, फेज फाई है, फेज डिफरेंस फाई क्या है यहाँ पर, फेज डिफरेंस। चलो ये रिलेशन आपने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बिल्कुल, समझ में आ गई। फिर से सुनो, फेज डिफरेंस जो होता है बाय 2π, पाथ डिफरेंस बाय λ, और टाइम डिफरेंस बाय t। तो फेज डिफरेंस की बात करेगा तो 2π/λ, यहाँ से देखो 2π यहाँ आ गया, 2π/λ × पाथ डिफरेंस, तो φ = 2π/λ × Δx। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस क्या होगा तो λ/2π, यहाँ से देखो पाथ डिफरेंस निकालना है तो लैम्डा ऊपर जाएगा, λ/2π × फेज डिफरेंस। क्लियर है? तो डेल्टा एक्स λ/2π × φ, फेज डिफरेंस है। चलो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सीख लिया आपने। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, इसमें मिटाले, चलो मिटाता हूँ। अब आ रहा हम लोग सामने फोर अपोजिट फेज और फोर सेम फेज। देखो ध्यान से, फोर अपोजिट फेज और फोर सेम फेज। तो सेम फेज की बात करेगा तो पाथ रिफरेंस निकालना पड़ेगा हम लोगों को, और अपोजिट फेज की बात करेगा तो उसमें पाथ रिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो तीसरा कैसा रहा, फोर सेम फेज, सेम फेज की बात करेगा तो φ = 2nπ लिखेंगे, या 2πn लिखेंगे, बात एक ही है। वेयर
वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 नंबर आएगा ये। चलो नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुरंत देखे थे आप पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस सीखो, ध्यान से और समझो बातों को। एलिमेंट की वेव ऑप्टिक्स से आया है, वेव चैप्टर उससे भी आ रहा है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? 2 पाई एन रखोगे या 2 n पाई रखोगे? तो देखो ध्यान से और समझो बातों को। तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू 2 n पाई। पाई से पाई काट दो और 2 से 2 काट दो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा लिखोगे। ये रहा पाथ डिफरेंस आपका, पाथ डिफरेंस ये रहा। अब सीखो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आ रहा है, एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा, 2 रखेंगे 2 लैम्डा आएगा, 3 रखेंगे 3 लैम्डा, ये आता हुआ चला जाएगा। सीख गया इसको? 4 सेम फेज की बात करेगा तो ऐसा होगा। अब देखो अब आ रहा अपोजिट फेज, एनसीईआरटी का टॉपिक है, देख लो समझ लो। अब आप फोर अपोजिट फेज मिटा ले, चलो मिटाता हूँ। तो बातों को समझो और सीखो ध्यान से। अब आ रहा अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में जैसे 2n+1 इंटू पाई होता है, माने 180 डिग्री का एंगल बना सकते हो। यहाँ पर 4 नंबर है फोर अपोजिट फेज, या फोर अपोजिट फेज लिखोगे, फेज ठीक है। यानी फाइव इक्वल टू यहाँ पर होगा 2n, इक्वल 2n+1 इनटू पाई, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, माने ये होता चला जाएगा। नंबर है ये। अब देखो पाथ डिफरेंस अभी तुरंत देखे हम लोग, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस यही है तेरे सामने। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फाई। फाई की वैल्यू क्या रखोगे? तो रख दो मतलब 2 पाई 2n+1 डेल्टा इंटू लैम्डा बाय 2। ये रहा तेरे सामने। एन की वैल्यू रखो 2 आएगा, 1 रखेंगे 3 लैम्डा बाय निकालेंगे, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। 5 लैम्डा बाय 2 डॉट डॉट डॉट, फिर से देखो एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो लैम्डा बाय 2 आएगा, एन की वैल्यू 1 रखेंगे 3 लैम्डा बाय 2 आएगा, एन की वैल्यू 2 रखेंगे 5 लैम्डा बाय 2 आएगा। ये हाथ होता हुआ चला जाएगा, क्लियर है? अब देखो आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। चलो देखो ध्यान से, देख लिया इसको? चलो इम्पोर्टेंट रिलेशन सब था जो मैंने सीख लिया, हम लोग सीख लिया। अब रहा है हम लोग, हमने देखो ध्यान से प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स मिटा ले, चलो मिटाता हूँ। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है उसको समझते हैं पहले। कहने का मतलब अगर किसी भी मीडियम में, ध्यान सुनो बातों को और समझो, किसी मीडियम में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स के कारण y1 और y2 है वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, तो उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, क्लियर है? यानी द डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू वेव्स, यानी सेपरेटली वेव्स एक्टिंग करेगा, तो उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। देखो ध्यान से इसी से रिलेट करके हम लोग आगे पढ़ेंगे ये फ्रिंज विड्थ और इंटरफेरेंस।
इंटरप्रेंसी से रिलेटेड होगा। देखो ध्यान से, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, वेव्स का सुपर पोजिशन क्या होता है उसको समझना। अरे सुपर पोजिशन की बात कर रहा, जैसा मैं वेक्टर सम की बात कर रहा है, सुपर पोजिशन मीन्स होता है वेक्टर सम करना। अगर किसी मीडियम में किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 सपोज दैट यहां पर है, दूसरी बार उसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 यहां पर है, तो दोनों का जो होगा वेक्टर सम उसी को हम बोलेंगे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो देखो ध्यान से और समझो बातों, किसका स्टेटमेंट क्या कह रहा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू डिफरेंट वेव्स द डिफरेंट वेव्स एक्टिंग सेपरेटली हरा की जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द डिफरेंट वेव्स एक्टिंग सेपरेटली देन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ different displacements of particle। फिर से समझो बातों को और सीखो। कर द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द डिफरेंट वेव्स एक्टिंग सेपरेटली देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। सपोज दैट किसी टाइम में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जो वेक्टर सम होगा y1 y2 है, इफ डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर y1 y2 y3 .. yn, then resultant displacement लिखवाओगे यहां पर, resultant displacement y = y1 y2 y3 सब वेक्टर सम होगा प्लस y1 yn, ये रहा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो देखो और समझो बातों को एक मिनट। इसकी सिर्फ बात कर रहा है, टू डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो उसके समय रिजल्टेंट कैसे हम लोग निकालेंगे। फिर समझो बातों को। करा द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ड्यू टू द डिफरेंट वेव सेटिंग सेपरेटली देन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इफ पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स आर y1 y2 y3 .. yn y1 plus y2 plus y3 plus .. yn होता है। यही सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज हम लोग करते हैं। चलो समझ गया, मिटा ले। अब देखो इफ टू पार्टिकल्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, या टू डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखो ध्यान से समझो बात को।
देखो, इफ टू डिस्प्लेसमेंट्स डिस लिखवाओगे ना, डिस प्लेसमेंट्स वाई वन एंड वाई टू वेक्टर है, देन रिजल्ट इन डिस्प्लेसमेंट, देन रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यहां पर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो वाई का हम लोग मॉड लगाएंगे, मॉड इक्वेशन में डालो घटा देता है। तो देखो ये वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला ये 11th में आप पढ़े हुए हो, टू वाई वन वाई टू कॉस थीटा होता है, ये मेन फॉर्मूला आएगा। अब वाई का मोड क्या देगा बाबू बेटा? वाई का मोड वाई देगा, ये रहा आपके सामने, आ रहा वाई वन प्लस वाई टू का स्क्वायर प्लस टू वाई वन वाई टू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहेगा तेरे सामने रिजल्टेंट का। क्लियर है? अब देखो फोर सेम फेज की बात कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं? फोर सेम डायरेक्शन ऑफ टू वेव्स या टू पार्टिकल्स डिस्प्लेसमेंट का, टू वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा पार्टिकल का, तो उस समय दोनों का सम हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग करेगा तो क्या होगा? डिफरेंस हो, घटा देंगे उसको। तो अब सीखते हैं पहले इसको, समझ गया इसको, चलो अब आगे बढ़ो। केस फर्स्ट, फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स, देखो ध्यान से। केस फर्स्ट, फॉर सेम डायरेक्शन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सेम कह रहा माने थीटा 0 डिग्री कह रहा। सपोज दैट ये वाई वन है और ये वाई टू है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐसे रहे और ऐसे रहे, 0 डिग्री आएगा आएगा। चलो देखो वाई इक्वल टू, अभी देखा आपने वाई वन का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर प्लस टू वाई वन वाई टू कॉस थीटा, और कॉस 0 होता वन हमारा 0, वाई इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस टू वाई वन वाई टू कॉस 0 लिख देता हूँ, इस बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना, समझ पा रहा आपको? वाई वन स्क्वायर वाई टू स्क्वायर प्लस टू वाई वन वाई टू, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो वाई वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट स्क्वायर कैंसिल, तो वाई वन प्लस वाई टू, यही हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल्स, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? यानी सेम डायरेक्शन, फोर सेम डायरेक्शन, फोर सेम डायरेक्शन ऊपर में लिखा हुआ आपके, फोर सेम डायरेक्शन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट्स कर देगा, ठीक है? फोर सेम डायरेक्शन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स के कारण वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू होता है। अब अपोजिट डायरेक्शन की बात करेगा, दोनों को सब्ट्रैक्शन होगा, कैसे होगा? 180 पर एक्टिंग करेगा। तो आओ सीखते हैं आगे थोड़ा सा, देखो मिटा लेता हूं। अब केस टू कह रहा फॉर अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे का अपोजिट हो सकता है, फॉर अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू डिस्प्लेसमेंट्स, अपोजिट माने ये रहा तेरे सामने
एक तो ऐसा हो सकता है यानी यहाँ पर थीटा के दौरान डिग्री होगा 180 होगा, या ऐसे हो सकता है कुछ भी हो सकता है 180, कॉस 180 कितना होता है माइनस वन होता है, ये समझ रहे हो। सपोज दैट ये वाई वन है और ये वाई टू है, ये वाई वन है और ये वाई टू है, वेक्टर है ठीक है, देखो ये वाई टू है, बढ़िया से लिखवा लो, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसके बाद इंटरफेरेंस ही आएगा हम लोगों को, y इज इक्वल टू रूट अंडर y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर इक्वल्स 180 डाल दोगे, y इज इक्वल टू रूट अंडर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, 11th भी पढ़ा होगा इस चीज को, प्लस माइनस माइनस होता है, ये तो जान रहे हो बच्चे वाली बात है। तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2, ये रहा तेरे सामने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा y1 माइनस y2। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ये हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है, और पार्टिकल। चलो आज का क्लास यही तक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, इतना सीख कर रखोगे तो नेक्स्ट दिन पढ़ाया जाएगा इंटरफेरेंस, ओके बाय, टेक केयर, आज यही तक रहेगा, देख लो, देख लिया।